जो उल्टे पड़े हुए कल कल सीधे हो जाएंगे सब। यहाँ पर बना हुआ है सेल्फी पॉइंट यूपी महोत्सव का, खाने पीने के स्टॉल्स इस साइड है। अब ये लोग लाइटें वगैरह बांधेंगे लगाएंगे लाइटें वगैरह। ये सब जो देख रहे हो आप ये सब जगह मैट पड़ जाएगी। तो हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, दिस इज आदिल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस जॉन व्लॉग्स। एंड चलिए प्रारंभ करते हैं। हम आए हैं केंद्रीय विद्यालय के पास और यहाँ पर लगा हुआ है यूपी महोत्सव। तो हमारे लखनऊ में महोत्सव की भरमार हो चुकी है भाई। तो ये लगा हुआ है 24 दिसंबर से 9 जनवरी तक और टाइमिंग भी लिखी हुई है 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक। अभी शॉप वगैरह सारी लग रही हैं प्रॉपर, इधर पान वान की लग रही है। चलो दिखाते हैं कितना बड़ा है। तो पहली गली ये है और आइए इधर चलते हैं दिखाते हैं। इधर सिर्फ कपड़े ही कपड़े पाओगे आप। तो जी ये महोत्सव आज से ही स्टार्ट है, 24 दिसंबर, हाँ 24 दिसंबर से आज से स्टार्ट है। तो आ जाओ फटाफट से, अपने लखनऊ में इवेंट्स की भरमार हो चुकी है। तो ये लगा हुआ हमारा केंद्रीय विद्यालय के पास और ये काफ़ी बड़ा लगता है और काफ़ी टाइम तक चलता है भाई। देखने का भी अवसर एक स्टॉल ऑफ मंडी और प्रिंटा के यहाँ पर देते हैं। और साथ साथ ये जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आज ओपनिंग है तो कोई आया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा योगदान करेगा। और इस तरीके के कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि वह योगी आदित्यनाथ जी के और हमारी सरकार, लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, जितने लोग अधिक जानेंगे उतने लोग यहाँ पर अधिक अपना स्टॉल लगाने वाले भी ज्यादा संख्या उनकी भी बढ़ती चली जाएगी। तो अपने आप सप्ताह यहाँ पर आए हुए सबका बहुत योगदान, यही कहकर मैं एक बार फिर से दो शब्दों में विधिवत धन्यवाद ज्ञापन बहुत बधाई। और मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरा नहीं संकट है और जिनके संरक्षण में मैं काम यहाँ पर बना हुआ है सेल्फी पॉइंट यूपी महोत्सव का। तो अभी आज से ही स्टार्ट हुआ है तो सारी सेटिंग्स वगैरह चल रही हैं, झूले वगैरह लग रहे हैं और ये सबसे बड़ा लगता है भाई। ये देखो झूले वगैरह लग रहे हैं। 24 दिसंबर से 9 जनवरी तक चलेगा ये। झूले तो एकदम भरे, झूले काफी ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे झूले ही तो लगते हैं सबसे ज्यादा। स्पेस बहुत अच्छी यहाँ की, पहले नहीं थी, पहले वहाँ से जंगल था पूरा, उसके बाद इसे ऐड किया गया तब जाकर ये इतना ज्यादा स्पेस बन पाई है। मेले लगने का कई सारे फायदे होते हैं लोगों को, लोगों को एंजॉयमेंट मिलता है, घूमना मिलता है और लोगों को बेरोजगारी भी मिलती है, बेरोजगारी दूर होती है, बेरोजगारी जो है इसका मतलब बेरोजगारी दूर हो रही है, रोजगार मिलता है उसे, हाँ रोजगार मिलता है। ये सब जो देख रहे हो आप ये सब जगह मैट पड़ जाएगी। कोई सोचो इतनी मैट लाते कहाँ से होंगे, लेकिन लगती है मैट, इतनी लगा देते हैं, पूरा कवर कर देते, मिट्टी उट्टी नहीं होती। एरिया है, आपने देखा होगा कि बागेश्वर बाबा जब आते हैं, बागेश्वर धाम, हाँ तो उनके लिए भी तो बहुत मतलब दूर तक मैट बिछाई जाती है, हाँ पूरा मतलब कवर किया है, इवेंट होते हैं सब में मैट पड़ती है, हाँ लेकिन ये सब कवर कर दिया जाएगा तो काफी झूले कल मिल जाएंगे, सारे झूले कल स्टार्ट हो जाएंगे।
और वैसे तो 40 रुपए टिकट है यहाँ एंट्री फीस, लेकिन आज तो आज एकदम फ्री है, ओपनिंग से फ्री है। हाँ आज ओपनिंग है तो इसलिए आज फ्री है, लगा भी नहीं इसलिए फ्री है। और ये बस 4 से 5 दिन दीजिए, उसके बाद एकदम देखने लायक होगा और फिर आप आ सकते हो। कल तक सब बुक हो जाएगा, झूले सारे कल बुक हो जाएंगे, काफी बुक हो चुका है, काम चल ही रहा है, रात में काम चलेगा। 85% हो गया है। अब ये लोग लाइटें वगैरह बांधेंगे, लगाएंगे लाइटें वगैरह लगाएंगे तब रहते हैं लोग, रात भर काम करेंगे लोग। जो उल्टे पड़े हुए कल सीधे हो जाएंगे सब। खाने पीने के स्टॉल्स इस साइड है। ये थी हमारे लखनऊ की न्यू अपडेट, जहाँ पर लगा हुआ एक नया महोत्सव, यूपी महोत्सव, उत्तर प्रदेश महोत्सव। तो आप कल से आना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फिर ये थी इन्फॉर्मेशन वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। लीव इट आई लीव इट, टेक इट, बाय, जय हिंद, बूम, बाकी सब बढ़िया। ऐसे ही नई नई अपडेट्स लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, आप लोग घूमते रहो, और भी कुछ आता है हम दिखाते हैं और बताते हैं आपको।